डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 9th SST में आपका टॉपिक है फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे किया गया था? दास प्रथा 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के मध्य फ्रांसीसी उपनिवेशों में सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी। वहाँ पर दासों को मानव के द्वारा मानव का ही उत्पीड़न के रूप में मतलब कह सकते हैं कि दासों को मानव के द्वारा ही उत्पीड़न किया जाता था। उनको साथ शारीरिक मानसिक प्रताड़ित किया जाता था। तो इस तरह से एक वहाँ पे दासत्व की प्रथा जो थी समाज में, संस्थाओं के अस्तित्व में जहाँ जहाँ पे ये प्रथाएं रही हैं, जैसे एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में आदि क्षेत्रों में दासत्व की जो परंपराएं चल रही थी बहुत ही भयावह थी। मानव व्यवस्था में अगर इस तरह से मानव के द्वारा मानव का उत्पीड़न किया जा रहा था दासत्व के माध्यम से, उनके माध्यम से जहाँ जहाँ पे कृषि कार्य हो रहा था उन दासों को खरीदा और बेचा जाता था। बाजार में जैसे वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता है, वैसे दासों को भी खरीदा और बेचा जाता था। इस तरह से दासों का क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। ये बहुत ही भयावह व्यवस्था थी। और इस तरह से फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का जो प्रचलन था, दासों को वहाँ के व्यापारियों के द्वारा, राजदरबार में भी दासों को शोषण होता था, रखा जाता था, व्यापारियों के द्वारा बाजारों में उन्हें बेचा और खरीदा जाता था। अफ्रीका में, एशिया के अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे ये व्यवस्थाएं परंपरा के रूप में आगे बढ़ी, इनसे कृषि कार्य जबरन कराया जाता था, मानसिक रूप से उन्हें विक्षिप्त बना दिया गया था। और ऐसी स्थिति में इस भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए कई बार प्रयास किए गए। दो बार प्रयास किए गए। 1794 में एक कानून लाया गया। 1794 में एक तिथि है जो महत्वपूर्ण है इसमें। 1794 में एक कानून लाया गया जिसके माध्यम से दासत्व प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो जहाँ जहाँ पे फ्रांसीसी उपनिवेश थे उन क्षेत्रों में दासत्व व्यवस्था को क्या किया गया था? समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो 1794 में कानून ला करके पास किया गया कि दासत्व प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना दासत्व के क्षेत्र में ये रही कि ये कानून केवल 10 वर्ष तक रहा। इसके पश्चात नेपोलियन ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और फिर से दासत्व प्रथा प्रचलन में आ गया। आगे इसे जड़ से फिर से समाप्त करने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन जड़ से समाप्त करने का प्रयास फिर से 1848 में किया गया। और इस तरह से 1848 जो दूसरी तिथि है, 1848 में दासत्व प्रथा को जड़ से समाप्त किया गया। तो दासत्व प्रथा जो थी फ्रांसीसी समाज में बहुत ही भयावह स्थिति थी। दासों को खरीदा और बेचा जाता था जहाँ जहाँ पे यूरोपीय शक्तियों द्वारा, कह सकते हैं कि उस टाइम में जो यूरोपीय शक्तियाँ थी जहाँ जहाँ पे उनके क्या स्थापित थे? उपनिवेश स्थापित थे। तो उपनिवेश दूसरे क्षेत्रों में शासन, उपनिवेश स्थापित थे साम्राज्यवादी परंपराओं के तहत। जहाँ जहाँ पे उपनिवेश स्थापित थे, जैसे भारत में ब्रिटिश हुकूमत के समय प्रारंभिक में व्यापारिक रूप में आए थे, यहाँ पे उपनिवेश स्थापित किए थे, यहाँ के भौतिक संसाधनों का दोहन कर रहे थे, धीरे धीरे यहाँ पे शासन स्थापित कर दिए। तो उपनिवेश मीन्स होता है कॉलोनी बसाना, वहाँ पे व्यापारिक संस्थान स्थापित करना। यहाँ पे उपनिवेश सब देख आया है, इसको समझेंगे उपनिवेश क्या है। तो यूरोपीय शक्तियों के द्वारा किसी भी देश में, पहले वहाँ पे कहते हैं ना, वैसे भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, बाद में यहाँ पे क्या करने लगे? शासन करने लगे। तो उपनिवेश का मतलब होता है एक व्यापारिक संस्थान स्थापित करना, व्यापारिक संस्थान स्थापित करना। तो इस तरह से यूरोपीय शक्तियों में जहाँ जहाँ पे व्यापारी संस्थान स्थापित थे वहाँ पे बहुत सारे कृषि कार्य भी किए जा रहे थे, जैसे नील की खेती होती थी, बागानों में खेती मतलब होती थी, तो चाय का उत्पादन होता था वहाँ पे। इस तरह से बागान मालिकों को ये दास जो है बेच दिए जाते थे, उनसे जबरन खेती कराया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। राज दरबार में भी दासों को जो है गुलाम की तरह रखा जाता था।
दूसरे क्षेत्रों में ले जाया जाता था जंजीरों से जकड़ करके। इस तरह से एक गुलाम के रूप में बेड़ियों में जकड़ करके इनके साथ बहुत ही भयावह स्थिति में शोषण किया जाता था। इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कोई कुछ भी नहीं थी, कोई स्तर इनका नहीं था, गुलामों की तरह ये जीवन जी रहे थे। जहाँ जहाँ पे उपनिवेश थे इन उपनिवेशों में इनको ले जा करके इनका शोषण किया जाता था, इनसे कृषि कार्य कराया जाता था। तो ऐसे स्थिति में ये भयावह स्थिति थी और इस भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए दो बार कानून लाया गया, 1794 और 1848 में। 1794 में जो कानून लाया गया था, तब जब कानून के माध्यम से इसे जब समाप्त किया गया था, लेकिन एक ऐसी स्थिति बनी कि आगे चल के नेपोलियन ने इसे समाप्त कर दिया, 10 वर्ष के पश्चात यह समाप्त हो गया। अगली कड़ी में जब यह समाप्त होता है तो 1848 में इसे जड़ से समाप्त कर दिया जाता है। और ऐसे स्थिति में जहाँ जहाँ पे फ्रांसीसी उपनिवेश थे उन उन क्षेत्रों में दासत्व प्रथा को जड़ से समाप्त कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने दासत्व प्रथा के उन्मूलन के संदर्भ में ये विषय वस्तु को समझा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।